नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सोया चाप और हरे मटर की सब्जी बनाने के लिए बताने जा रही हूँ। आप दोनों को एक साथ कैसे बना सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम सोया चाप और एक कटोरी हरा मटर। तो सबसे पहले हम सोया चाप को स्टिक से निकालेंगे इस तरीके से। तो सारे सोया चाप को हम स्टिक से निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे सोया चाप को स्टिक से निकाल लिया है। तब इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे सोया चाप को कट कर लिया है। तो इसे बनाने के लिए हमें 4 मीडियम साइज का प्याज चाहिए, जिसे मैंने लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़े से लहसुन, थोड़े से अदरक, 1 इंच के करीब अदरक और 3 हरी मिर्च, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। थोड़ा सा दही और टमाटर की प्योरी, मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सी में पेस्ट बना लिया है, और फ्रेश मटर 1 कटोरी। तो हम एक फ्राई पैन में तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद इसमें हम सोया चाप को डाल देंगे और सोया चाप को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो सोया चाप गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो सोया चाप को अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पका लें। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, उसी तेल में हम प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें यहाँ पे फ्राई करना है अच्छे से तेल में। जब तक प्याज भुन रहा है, तब तक हम चाप में कुछ मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे चाप को और इसमें हम दही डाल देंगे। तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच दही डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मिक्स कर दिया है सोया चाप में दही को। अब हम प्याज को देखेंगे, तो प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो प्याज को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जैसे ही प्याज ठंडा हो जाए, तो इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे, अदरक और लहसुन। अब इन सब चीज़ों को डाल के थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे इसमें हम, और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही इसमें हम जीरा डाल देंगे और इसमें हम 2 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 लाल मिर्च, लवंग और काली मिर्च और दालचीनी और छोटी इलायची। अब इन सब खड़े मसालों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो खड़ा गरम मसाला भून गया है, तो इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। अब इन सब मसालों को हम भून लेंगे। इस समय फ्लेम को लो कर दें। इसमें टमाटर की प्योरी डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे अच्छे से। अब मसाला के साथ हम टमाटर को अच्छे से पका लिया है, प्याज का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे यहाँ पे। अब इन सबको अच्छे से हम पका लेंगे। जैसे ही मसाला पक जाए, तो इसमें हम मिक्स किया हुआ चाप डाल देंगे।
और हरा मटर डाल देंगे। और इसे हम मिक्स करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, जैसा ग्रेवी आपको रखना है। तो मैंने यहाँ पे आधा गिलास के करीब में पानी डाला है। और इसमें हम एक चम्मच गरम मसाला डालेंगे, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे कुकर का ढक्कन लगा के, और इसे हम एक सीटी आने तक पका लेंगे। तो पक गया है, तो इसे हम एक सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। तो इस तरीके से आप सोया चाप और हरे मटर की सब्ज़ी प्रेशर कुकर में बहुत ही झटपट से बना सकते हैं।